नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स के सीरीज की अगली कड़ी है। ब्लाइंड मर्डर्स के बारे में इस सीरीज की हर घटना के शुरू में मैं आपको बताता हूं कि ऐसी घटना, ऐसी हत्या जिसके बारे में प्रारंभिक रूप से किसी तरह का कोई सुराग मरने वाले के परिजनों, पुलिस या जानकार लोगों के पास नहीं होता। ऐसा नहीं कि सारे ब्लाइंड मर्डर्स अब सुलझा दिए गए हों, कहीं के भी देश में कुछ आज तक अनसुलझे हैं, कुछ बड़ी मर्डर मिस्ट्रीज आज तक अनसुलझी हैं, लेकिन पुलिस ने जिनका खुलासा काफी लंबे लंबे समय बाद किया, मैं वो आपके सामने इसलिए जिक्र करता हूं कि अपराधियों की चालाकी, कितनी भी चालाकी से की गई हत्या हो, बेशक 3 साल बाद, बेशक 4 साल बाद, बेशक 8 साल बाद ट्रैक किया तो पुलिस ने ही किया। पुलिस के बारे में तमाम नकारात्मक टिप्पणी के बाद भी इसी पुलिस ने किया। पुलिस के बारे में जो हमारे सुधी श्रोता टिप्पणी करते हैं, और कौन सी ऐसी खराब बात नहीं है जो पुलिस के लिए नहीं कहते। कुछ बातें सही भी हैं, लेकिन ये भी सोच कर देखिए कि अगर पुलिस न होती तो क्या इन थोड़े बहुत केसेस, 40% आप इसे मान लें, ब्लाइंड मर्डर्स के, क्या ये सुलझ पाते। आज की घटना या आज का जो वाकया है वो है कानपुर से। दिसंबर 2018 को, कानपुर के 5 दिसंबर की बात है ये, 5 दिसंबर 2018 को कानपुर के बिठूर बहुत ऐतिहासिक रूप से फेमस कस्बा है कानपुर का, उसके नौरंगाबाद में ग्रामीणों ने लोहार खेड़ा से ITI रोड के किनारे खेत पर या एक खेत में एक जली हुई ट्रॉली बैग देखी। ट्रॉली बैग के का जो ऊपर का हिस्सा है या बगल का हिस्सा है वो बिल्कुल जल गया था, और उसके भीतर एक जली हुई लाश दिखाई दे रही थी। कौतूहलवश ग्रामीण इकट्ठा हो गए, 112 जो पुलिस रिस्पांस व्हीकल होती है PRV, उसको बुलाया गया। पुलिस ने आके उस ट्रॉली बैग को ठीक से खोला और उसके भीतर एक लाश मिली। लाश के सिर का हिस्सा यानी फेस का हिस्सा कुछ थोड़ा बहुत देखने में लग रहा था कि अगर कोई पहचानने वाला होगा तो देख के पहचान सकता है, लेकिन बाकी शरीर जल गया था, अच्छी तरह जल गया था। पुलिस ने अपनी फॉरेंसिक टीम मंगाई, तमाम कोशिश की, आसपास फुटप्रिंट की, आसपास किसी फॉरेंसिक एविडेंस की, फोटोग्राफ लिए, वीडियो बनाई उस सीन ऑफ क्राइम की, और पुलिस वहां से चली गई। आसपास के गांव में बीट कांस्टेबल्स ने बिठूर थाने के कोशिश की ये जानने की कि ये आदमी कौन हो सकता है। फोटोग्राफ उसकी लोगों को दिखाई गई। 4 दिन बाद स्थानीय अखबारों में भी वो फोटोग्राफ जिसमें फेस कुछ पहचानने में आ रहा था वो छपवाई गई। 3-4 बड़े हिंदी दैनिक में थानाध्यक्ष की तरफ से ये फोटोग्राफ भी छपवाई गई कि इस अज्ञात व्यक्ति की लाश एक ट्रॉली बैग में जली हालत में मिली है। जो कोई इसे पहचान रहा हो वो फला फला नंबर पर पुलिस से संपर्क करे। फिर दोबारा इस अज्ञात लाश के बारे में अखबारों में छपवाया गया करीब 2 महीने बाद, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। इश्तहार छपवाए गए, थानों के नोटिस बोर्ड पे लगाए गए, रेलवे स्टेशन पे लगाए गए,
टैक्सी, टेम्पो स्टैंड और बस स्टैंड पर भी ये इश्तहार लगाए गए, जिसमें चेहरे का थोड़ा सा पहचानने वाले हिस्से की फोटोग्राफ भी लगाई गई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पुलिस परेशान थी, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स जितने थे वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि पहले शव की पहचान हो, और सही बात भी थी, बिना शव की पहचान किए विवेचना को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। बिठूर पुलिस ने जिस तरह से शव फेंका गया था, जलाया गया था, हत्या और हत्या के साक्ष्य को छुपाने की धाराओं 302, 201 आईपीसी में अपराध पंजीकृत कर लिया, एफआईआर लॉज कर ली गई। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यही कि उस लाश की पहचान नहीं हो पाई। करीब 8 महीने बाद, करीब 10 महीने बाद, 8 या 10 महीने बाद एक व्यक्ति ने थाने पर संपर्क किया। शख्स था कानपुर देहात का। उसने कहा कि साहब एक मकान बेचने के लिए मकान के कुछ कागजात हमें दिखाए गए। मकान की कीमत बाजार में लगभग 5 करोड़ रुपए है और उस मकान को वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए में बेचने को तैयार थे और बेचने का आधार एक वसीयतनामा है। मकान लखनऊ के सैनिक नगर में स्थित है, मैं मकान भी देखाया हूँ और मुझे उसकी एक फोटोकॉपी दी गई है वसीयतनामे की, लेकिन मुझे कुछ संदेह है। मैंने वहां आसपास के लोगों से पूछा, जिस आदमी ने वसीयत की है वो करीब करीब 7-8 महीने से गायब है, उसका कोई पता नहीं है। पड़ोसी बताते हैं कि हमेशा यहीं रहते थे, उनके घर में किराएदार हैं। किराएदारों से मैंने जानने की कोशिश की, उनसे भी कुछ पता नहीं लगा। वसीयतनामे की कॉपी दिखाते हुए उन्होंने ये बताया कि ये वसीयत हमें नौरंगाबाद के ही रहने वाले अरविंद सिंह राठौर ने उसकी फोटोकॉपी हमें दी है और मैं इसे कह रहा हूँ कि मुझे 2 करोड़ में दे दो, वो 2.5 करोड़ मांग रहे हैं, जबकि सही बात यह है कि उसकी कीमत 5 करोड़ है। पुलिस का माथा ठनका कि नौरंगाबाद का रहने वाला अरविंद सिंह राठौर और नौरंगाबाद में ही 8-10 महीने पहले एक शख्स की लाश मिली थी। हालांकि तब तक जब पहचान नहीं हो पाई तो 6 महीने बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR लगा दी, फाइनल रिपोर्ट लगा दी, क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, CBI के टर्म्स में जिसे कहते हैं, फाइल को बंद कर दिया सामान्य भाषा में जिसे कहते हैं, टेक्निकल भाषा में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई थी। लेकिन फिर भी पुलिस का माथा ठनका कि भाई ये नौरंगाबाद में ही ये बॉडी मिली और नौरंगाबाद के रहने वाले ने ही एक वसीयतनामा की फोटोकॉपी उसे उपलब्ध कराई है मकान को बेचने की गरज से। पुलिस अरविंद सिंह राठौर को पकड़ कर ले आई। अरविंद सिंह राठौर तमाम राजनीतिक लोगों के साथ थाने पर पहुंचा। जाहिर सी बात है, श्रीमान जी कह के ही उससे पूछताछ हुई होगी, उसने कुछ भी बताने से इनकार किया। जबकि जो नाम, जिस व्यक्ति का नाम, जिस व्यक्ति के नाम से वो वसीयत थी, वो उसी के मकान में किराएदार था। पुलिस के पास और कोई चारा नहीं था, उसने लखनऊ के PGI थाने से संपर्क किया। PGI थाने में ही वो सैनिक बिहार जो इलाका है वो PGI थाने का ही है।
सैनिक नगर, और ज्यादातर वहां रिटायर्ड फौजी लोग अपना अपना मकान बनाकर रहते हैं, क्योंकि वसीयत में जो पता लिखा हुआ था वो, और जो नवयत लिखी थी यानी जो आसपास के मकानों का नाम ये सब लिखा हुआ था वसीयत के सिलसिले में, वो सैनिक बिहार का ही था, और जिनका नाम लिखा हुआ था उनका नाम नन्हे लाल अंकित था। जांच करने के लिए जब पीजीआई थाने के लोग वहां गए तो वहां पता लगा कि नन्हे लाल साहब यहां रहते ही नहीं थे। वसीयत के कागज यानी वसीयत नन्हे लाल की हुई, दस्तखत उनके, टोला पड़ोस से और उनके जो किराएदार थे वहां सिर्फ दो महिलाएं मिली थी, एक का नाम प्रतिभा, एक का नाम नीलम। उन दोनों ने भी कुछ बताने से इनकार कर दिया। पड़ोसियों ने यह बताया कि ये पिछले 8 महीने से करीबन गायब हैं, लेकिन इनका एक लड़का देहरादून में रहता है जो कभी कभार आता है, क्योंकि उसके अपने पिता से अच्छे संबंध नहीं है। चूंकि सारे फौजी ही वहां रिटायर्ड फौजी या सर्विंग फौजी सैनिक नगर में रहते हैं, किसी ने ये पता भी बता दिया कि उसका नाम एक तो शिवेरियन है, शिवेरियन आजाद, और दूसरा वो देहरादून के किस मोहल्ले में किस जगह पे रहता है। कानपुर की एक टीम देहरादून गई जहां उसने नन्हे लाल के बेटे शिवेरियन आजाद को खोज लिया। शिवेरियन आजाद से पूछा गया कि आपके पिता नन्हे लाल कहाँ हैं। उन्होंने कहा साहब 7-8 महीने से वो गायब हैं, और मैंने यहीं से एक रजिस्टर डाक से अपने पिता की गुमशुदगी के सिलसिले में, क्योंकि न उनका फ़ोन मिल रहा है और मैं एक बार गया भी था, लोगों ने बताया कि वो सुबह सुबह टहलने के लिए निकले थे, उसके बाद आए नहीं। मैंने लखनऊ के सभी अधिकारियों को एक चिट्ठी रजिस्टर डाक से भेजी थी कि मेरे पिता इतने समय से गायब हैं, उनका पता किया जाए, लेकिन उसमें संभवतः कोई कार्रवाई नहीं हुई। कानपुर की पुलिस ने, बिठूर की पुलिस इनफैक्ट गई थी उससे मिलने के लिए, तो बिठूर की पुलिस ने वही फोटोग्राफ शिवेरियन आजाद को दिखाई। देखते ही शिवेरियन ने कहा यह मेरे पिताजी, इनका नाम नन्हे लाल है, उम्र करीब 65-70 साल के आसपास होगी। उनसे पूछा गया ये उनका मकान फला फला जगह जो हम लोग गए थे, जो फोटोग्राफ ले आए थे मकान की, उन्होंने कहा जी ये मेरा ही मकान है, मेरी पैदाइश भी वहीं की है, मेरी माता का देहांत हो गया था, पिताजी मेरे पास देहरादून रहने को तैयार नहीं थे, वो उसी मकान में रहते थे और एक किराएदार उन्होंने रख रखा था जिसका नाम अरविंद सिंह राठौर था, वो उसकी पत्नी और उसके बच्चे वहीं रहते हैं। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने खरीदने की गरज से वसीयत की कॉपी मांगी थी वो फोटोकॉपी अरविंद सिंह राठौर ने ही दी थी। अरविंद सिंह राठौर को थाने पर लाकर पूछताछ की गई थी, लेकिन तमाम लोगों को इकट्ठा करने के बाद पुलिस जो करना चाहती थी पूछताछ के लिए वो कर नहीं पाई थी और उसे छोड़ा गया था। वहीं से उन्होंने अपने एसएसपी को यह बात बताई। तय किया गया कि अरविंद सिंह राठौर, उसकी पत्नी प्रतिभा और वहां पर रहने वाली नीलम, इन तीनों को स्थानीय थाने पर न लाया जाए, शहर के किसी थाने में लाकर उनसे बातचीत की जाए। ये तीनों पकड़ कर आ गए, अलग अलग पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में अरविंद सिंह राठौर से भी श्रीमान जी कहके ही पूछताछ हुई, लेकिन उसके बाद पुलिस अपने पर आ गई, श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हो गई। उधर महिला कांस्टेबल्स ने नीलम और प्रतिभा से भी अच्छी वाली पूछताछ शुरू कर दी। घंटे भर में सारी कहानी, सारा किस्सा क्लियर हो गया।
कहानी ये थी या कारण ये था या फैक्ट्स ये थे अपराध कैसे हुआ था कि रिटायर्ड फौजी नन्हेलाल सिंह ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद 17 फरवरी 2016 को प्रतापगढ़ की एक तलाकशुदा महिला नीलम से शादी कर ली। शादी चोरी से हुई, शादी मंदिर में हुई, आर्य समाज मंदिर में, और बतौर पत्नी वो उसके साथ रहने लगी। किरायेदार अरविंद सिंह राठौर भी अपनी पत्नी के साथ एक भाग में रहता था, जो नन्हेलाल की सेवा किया करता था। और नन्हेलाल का ये कहना था अपने बेटे से कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, एक किरायेदार रहेगा तो हमारी सुरक्षा रहेगी। लेकिन जैसे ही ब्याह के वो नीलम को ले आए, महीने दो महीने में ही नीलम से अरविंद सिंह राठौर के संबंध हो गए। नन्हेलाल की उम्र करीब 65 से 70 के आसपास थी, जबकि नीलम की उम्र लगभग 28 से 30 साल थी। अरविंद से संबंध हो गया। ये बात इन्होंने जब एक दिन बीच में इसके लड़के ने आने के लिए कहा कि मुझे कुछ काम है वहां, उसके कुछ एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो सैनिक स्कूल के थे वो कहीं खो गए थे, उसकी डुप्लीकेट लेने के लिए उसे आना था, उसने पिता को फोन किया कि मैं आ रहा हूं। पिता ने फौरन अरविंद को और नीलम को ये बताया कि जब मेरा बेटा आएगा तो उसे इस शादी की कानोकान खबर नहीं होनी चाहिए। अरविंद ने कहा परेशान मत होइए, मैं बता दूंगा कि ये मेरी रिश्तेदार है, हमारे घर पर आई हुई है। उसके कपड़े, उसके तमाम सामान जिससे लोग ये अंदाज लगाएं कि यहाँ कोई महिला भी रहती है, वो अरविंद सिंह राठौर अपने पोर्शन में ले जाकर उसने रख दिया। शिवेरियन आज़ाद जो उसका बेटा था वो दो दिन तक रहा। इस बीच में नीलम भी दो चार बार चाय बनाने, खाना बनाने आई। उसने अपने पिता से पूछा, उन्होंने कहा ये हमारे किरायेदार की कोई रिश्तेदार है। किरायेदार ने भी बताया कि हमारी रिश्तेदार है, यहाँ पर PGI में इलाज कराने आई है। इसके बाद बेटे को शंका की कोई गुंजाइश नहीं थी। उम्र का भी इतना फर्क था कि वो बहुत ज़्यादा डाउट करने की स्थिति में नहीं था। जब बेटा चला गया तो नीलम और अरविंद ने कहा कि ये इसकी कमजोरी है, ये नहीं चाहता कि इसका बेटा ये चाहे, ये जाने कि हम लोगों की शादी हुई है। फिर धीरे धीरे अरविंद ने एक चालाकी की, अरविंद सिंह राठौर ने नीलम से बात करके नन्हेलाल के साथ उसके आपत्तिजनक फोटोग्राफ पहले से वहां रखे हुए मोबाइल फोन में कैद कर ली, और नीलम और अरविंद मिलकर ब्लैकमेल करने लगे नन्हेलाल को। ब्लैकमेल ये कि हम तुम्हारे बेटे को ये वीडियो भेजेंगे। धीरे धीरे पहली पत्नी के रखे हुए सारे गहने, पैसे, बैंक में रखे हुए पैसे और पेंशन जो रिटायर्ड फौजी को मिलती है वो पैसे भी सब हथिया लिए। बढ़िया मकान, मैंने बताया बाजार में लागत 5 करोड़, केवल नन्हेलाल के पास वही बचा। अरविंद राठौर ने कहा कि हम तो इसमें इसको कैसे बेचा जाए, कैसे इससे किया जाए। तो नन्हेलाल का जो वकील था, जो उसका हाउस टैक्स, जो उसका वाटर टैक्स, जो उसका बिजली का बिल ये सब जमा किया करते थे, पास में रहते थे, पारा के रहने वाले थे, उनका नाम सत्येंद्र था। सत्येंद्र के पास जाकर अरविंद ने कहा कि मौका बहुत बढ़िया है, बस तुम पेपर्स बनवा लो। चूंकि हाउस टैक्स, वाटर टैक्स सब सत्येंद्र भरता था, तो सारे ओरिजिनल, और जब ये मकान खरीदा गया था, प्लॉट खरीदा गया था और मकान बनवाया गया था, उस समय की भी सारे पेपर्स सत्येंद्र के पास ही थे। सत्येंद्र के मन में भी लालच आ गई, सारे पेपर्स उसने निकाल कर दिए, फोटोकॉपी कराई, दिए और एक वसीयत तैयार की। वसीयत अरविंद सिंह राठौर के नाम, ये कहते हुए कि मेरे बुढ़ापे में सबसे ज्यादा सेवा
अरविंद सिंह राठौर उसकी पत्नी ने की है, लिहाजा मेरे मरने के बाद ये मकान अरविंद सिंह राठौर को दे दिया जाए। एक दिन रात में जब सब पेपर्स तैयार हो गए तो सत्येंद्र, अरविंद सिंह राठौर, नीलम और प्रतिभा खाना खिलाने के बाद नन्हेलाल के पास पहुंचे और नन्हेलाल के सामने वो स्टैम्प पेपर जिसमें उनकी वसीयत लिखी हुई थी वो उनके सामने रखा और ये कहा, बाबूजी कहते थे कि बाबूजी मैं ये चाहता हूँ, मैं आपका शुभचिंतक हूँ कि आप अपनी वसीयत लिख दीजिए, आपकी तबीयत भी अब ख़राब रहती है, पता नहीं कब कोई बुरी खबर सुनने को मिल जाए, तो आपकी बनाई हुई संपत्ति है, आप जिसे चाहें उसे उसके नाम इसमें भर के आप सिग्नेचर कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं बिना पढ़े हुए अपनी वसीयत पर कोई दस्तखत नहीं करूंगा। यहीं से बात गड़बड़ होनी शुरू हुई। उन्होंने कहा आपको इतना यकीन नहीं है, आप सिग्नेचर कर दीजिए, दस्तखत कर दीजिए, आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा। नन्हेलाल ने कहा कि मैं कतई किसी तरह का कोई हस्ताक्षर इस डॉक्यूमेंट पे नहीं करूंगा। इसी बीच में नीलम ने उनके साथ थोड़ी जाती शुरू की, बतौर पत्नी कि मेरे लिए कुछ नहीं सोचा है, मेरे नाम से इसको मिलना है, फलाना है, ढिकाना है, दुनिया भर की बातें उसने कहीं। नन्हेलाल को लगा कि अब ये दबाव बना रहे हैं, उसने चिल्लाने की कोशिश की। फौरन सत्येंद्र और अरविंद ने उसका मुंह दबा दिया, कपड़ा ठूस दिया, धीरे धीरे गले को दबाना शुरू किया। उनका पर्पस था कि ये थोड़ा दम इसका निकल जाए, थोड़ा ढीला हो जाए, थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाए, तो इसके अंगूठे के निशान ले लें, न करे सिग्नेचर। उसमें एक कॉलम होगा कि विक्रेता या वसीयत करने वाला बहुत बुजुर्ग हो गया है, हस्ताक्षर करने में असमर्थ है, लिहाजा उसका अंगूठा निशान और बाकी सभी 10 उंगलियों के निशान उसके ले लिए जाएं। सत्येंद्र पेशे से वकील था, वो अपने साथ इंक का पैड ये सब ले आया था क्योंकि उसे हर हाल में उस दिन वो वसीयत उससे लिखवानी थी नन्हेलाल से। जब वो अनकॉन्शियस हो गया तो उसके अंगूठे के निशान अलग पेपर पे, 10-15 सादे पेपर्स पे उसके अंगूठे और बाकी उंगलियों के निशान सत्येंद्र ने ले लिए। उसके बाद अरविंद ने उसका गला तब तक दबाए रखा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। सत्येंद्र ने बताया कि अगर बाहर फेंकोगे तब भी इसके उंगलियों और अंगूठे में जो स्याही के निशान है उससे पुलिस अंदाज लगा लेगी कि कोई प्रॉपर्टी लिखवाने के बाद इसकी हत्या की गई है, और अगर पहचान हो गई तो हम लोगों के सिवा दूसरा कोई नहीं है जिस पर पुलिस शक करेगी। पहला काम तो ये, हाथ की इन सभी उंगलियों में जो स्याही का निशान है इसको जला दिया जाए। दोनों हाथ इकट्ठा करके उसमें कपड़ा बांध के उसमें मिट्टी का तेल डाल के उसके दोनों हाथ इन सभी लोगों ने जला दिए। फिर अरविंद ने यह कहा कि देखो सत्येंद्र, यहां आसपास फेंकोगे, यहां इसको बहुत लोग जानते हैं, रिटायर्ड फौजियों का अपना एसोसिएशन है, हर हाल में फंसोगे, बेहतर यह है कि इसको यहां से दूर ले जाकर कहीं पर इसे फेंका जाए। अरविंद सिंह राठौर ने कहा कि मैं औरंगाबाद का रहने वाला हूं, कानपुर का, वहां की गली कूचे जंगल खेत बारी इन सबसे परिचित हूं, किसी बोरी में भर के किसी चीज में भर के इसको वहां तक ले चलो, वहीं जंगल में हम फेंक देंगे, कभी पता नहीं लगा पाएगी पुलिस। लेकिन इतनी दूर तक बोरी में लाश को बांध के मोटरसाइकिल से जाना थोड़ा कठिन काम लग रहा था। घर में एक ट्रॉली बैग था अरविंद के, ट्रॉली बैग ढूंढ के लाया गया
और उस बुजुर्ग आदमी को तोड़ मोड़ के उस बड़े ट्रॉली बैग में भर दिया, चेन बंद कर दी और फिर दोनों लोग अरविंद और सत्येंद्र मोटरसाइकिल में उस ट्रॉली बैग को पीछे कैरियर में अच्छी तरह से बांध के वहां से चल दिए। दूर से देखने में भी लगा कि लोग कहीं स्टेशन से आ रहे होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अटैची लिए हुए हैं। तमाम टोल तमाम नाके से पास होते हुए ये नौरंगाबाद के ITI रोड पर पहुंच गए। अपने साथ 2 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल भी ले गए थे। सड़क के किनारे ट्रॉली बैग को फेंक दिया, वो 2 लीटर पेट्रोल पूरा ट्रॉली बैग के ऊपर धीरे धीरे डाला ताकि वो सोक कर ले, ताकि वो भीतर रिस जाए उसमें, और फिर माचिस दिखा के वहां से भाग खड़े हुए। 2 दिन बाद अरविंद सिंह राठौर, 2 दिन तक ये दोनों सत्येंद्र और अरविंद अपने घर में रहे औरंगाबाद में, उसके बाद वापस लौट आए। वसीयत पे फर्जी सिग्नेचर बना दिए, अंगूठा निशान था ही, वो इसलिए बना दिए कि अगर ये कहा जाएगा कि साहब ये तो वो नहीं है, तो उसमें वो टिप्पणी या नोट जो लिखी जाती है कि साहब ये दस्तखत अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तबीयत खराब है, उम्र हो गई है, इसलिए पहचान के लिए इनके अंगूठे के निशान लिए जा रहे हैं। वो तैयार हो गया, एक वसीयत तैयार हो गई। करीब 3 महीने बाद धीरे धीरे इन लोगों ने कहना शुरू किया कि साहब एक मकान है जिसमें दादाजी रहते थे, उनकी मृत्यु हो गई बीमारी से, हम ही ने सब उनका किया, और वो अपनी वसीयत में वो मकान मेरे नाम बेच के चले गए। जिस व्यक्ति ने कानपुर देहात के इसको पता लगा, उसे मकान की जरूरत थी लखनऊ में, उसे सौदा ठीक लगा, उसने जानबूझ के कम दाम लगाया, बेचने वाले ने बहुत ज्यादा जिद नहीं की और उसी दाम में मकान बेचने को तैयार हो गया। तभी उसे डाउट हुआ, उसने आसपास पूछना शुरू की कि भाई यहाँ कौन रहता था, जब मरे तो अंतिम संस्कार किसने किया, किसने से कौन सेवा करता था इनकी। तो लोगों ने बताया कि सामान्य रूप से वो अपना काम खुद करते थे, एक किरायेदार रहता था, उसके यहाँ 2 महिलाएं थीं, ये उन लोगों ने बताया कि 2 महिलाएं थीं, और सबका आना जाना उस बुजुर्ग रिटायर्ड फौजी के यहाँ था, लेकिन उसके मरने की कोई सूचना मोहल्ले में नहीं है, किसी को नहीं पता वो कब मरा कब गया, पूछने पर ही पता लगता था कि बेटे के पास गया है। तब उसे इस बात पर डाउट हुआ कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, और इसीलिए बिठूर थाने पर जाकर उसने उस वसीयत की फोटोकॉपी दिखाई थी। यानी एक ब्लाइंड मर्डर, जिस मर्डर का केस पुलिस की फाइलों में बंद हो गया हो, जिसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई हो, उसका पता वसीयत के 1-2 पन्ने के कागज से लगा। ये केस पूरी तरह से खुल गया और चारों आरोपित पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना, देखिए आज की घटना से बहुत ढेर सारे सबक लिए जा सकते हैं। आप देखिए घटनाक्रम को, अगर कि पहली पत्नी की मृत्यु के बाद बुजुर्ग ने नई उम्र की एक महिला पर दया दिखाते हुए, कि विधवा महिला है, आर्य समाज मंदिर में चोरी से शादी की, किसी को पता न लगे कि बुढ़ापे में मैंने शादी की, और उस नौजवान बीवी को जब वो घर ले आए तो किराएदार की नज़र पड़नी थी, और बहुत जल्दी ही उन दोनों के संबंध हो गए। किराएदार के लिए जब भी वो मॉर्निंग वॉक में जाते थे तो उसकी बहुत तारीफ करते थे अपने साथ के लोगों से, कि सुरक्षा का बड़ा ध्यान रखता है,
और उसके रहने से हम बड़ा निश्चिंत रहते हैं और अकेले रहने का कोई मतलब नहीं है, बेटे से बनती नहीं है, इस तरह की बातें वो बताया करते थे। और जब उनकी नई पत्नी नीलम और किरायेदार अरविंद को ये भान हो गया कि ये अपने बेटे से किसी भी कीमत में इस शादी के बारे में शेयर नहीं करना चाहता कोई बात, तो उनको ब्लैकमेल करने का एक साधन मिल गया। मैंने बताया कि एक आपत्तिजनक फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ भी नीलम से कह के मृतक नन्नेलाल सिंह की वो वीडियो बना ली गई और उसी को दिखा दिखा कर उसको ब्लैकमेल करने लगे। और उसके पास जो कुछ भी था, वो नई पत्नी और किरायेदार, अब तो दोनों एक ही हो गए थे, उसको ले गए। कुछ उसके पास नहीं बचा, वो छोटे मोटे काम के लिए भी नीलम और अरविंद पर डिपेंड रहने लगा। जब सिर्फ मकान बचा तो मकान के लिए भी उनके दिमाग में लालच आ गई कि कैसे भी करके इसको बेचा जाए, लेकिन बेचने से पहले इस बूढ़े को रास्ते से हटाया जाए। वकील से संपर्क किया, ओरिजिनल कागजात निकाले और उनको लगा कि अब हमारा काम बन गया। जिस दिन इन लोगों को उस वसीयत पे सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर कराने थे, उस दिन तमाम जोर जबरदस्ती के बाद भी उसने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, उसकी हत्या कर दी। जब हल्की फुल्की सांस चल रही थी या हत्या के एक घंटे बाद तक भी, जब तक रिगर मॉर्टिस ना आ जाए, अंगूठे का निशान प्लेन पेपर पर आ जाता है। रिगर मॉर्टिस आने के बाद अंगूठे का निशान प्लेन पेपर पर लिया जाना संभव नहीं है। जब उनका काम पूरा हो गया, उसे जलाया, जला के ठूस के उसे ले गए और फेंकने के बाद भी ट्रॉली बैग में आग लगा दी। अपनी तरफ से हत्यारों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी कि पुलिस यहां तक पहुंच भी पाए, और कुछ हद तक वो अपने प्रयास में कामयाब भी हो गए थे। पुलिस ने फाइल बंद कर दी, फाइनल रिपोर्ट लगा दी। बुढ़ापे की शादी के बारे में एक मशहूर लेखक हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफी, उन्होंने लिखा है कि बुढ़ापे की शादी और बैंक की चौकीदारी, इन दोनों चीजों में जरा भी फर्क नहीं है, सोते में भी आंख खुली रखनी पड़ती है। यूसुफी साहब के इस सूत्र वाक्य को ऐसे जोड़े बॉलीवुड के तमाम एग्जाम्पल हैं, जहां 70 साल की उम्र में, 75 साल की उम्र में अभिनेताओं ने शादी की। नाम लेना ठीक नहीं है, आप गूगल करिए, आपको दसियों ऐसे बॉलीवुड के स्टार्स मिलेंगे जिन्होंने बुढ़ापे में शादी की, और उसका हश्र भी वही हुआ जो आज की घटना में उसमें हुआ था। और जो भी सूत्र से वाकिफ नहीं हो पाया, बैंक की चौकीदारी में अगर आंख बंद कर ली सो गया, या बुढ़ापे की शादी में सो गया, तो बैंक में भी चोरी होने की पूरी संभावना है और लुगाई के भी चोरी होने की पूरी संभावना है, जो यहां हुआ। तो जो भी सूत्र वाक्य से वाकिफ नहीं है या सावधान नहीं है, उसके साथ वही होगा जो आज की अपराध की घटना में हुआ है। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।